भाई हमारे पास एक तरह का एब्रेशन था, स्फेरिकल एब्रेशन वाज अ डिफेक्ट ऑफ टेक्निकली मिरर्स। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो नॉन पैराएक्सियल रेज हैं वो तो जा रही हैं फोकस से, और जो नॉन पैराएक्सियल रेज हैं वो फोकस से पहले हिट कर जाती हैं, और ज्यादा होंगी तो और पहले हिट कर जाएंगी। इनफैक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री होगा तो पोल पे हिट कर जाएंगी, ये हमने किया था। सो दिस डिफेक्ट इज स्फेरिकल एब्रेशन। अब लेंसेज का एक और डिफेक्ट होता है कि हमें ये पता है कि ये लेंस है, डोंट मूव द चेयर्स, ये हमारे पास लेंस है और जो ये पैरेलल रेज आ रही हैं, हमने तो ये सुना था कहां पे मीट करनी चाहिए, फोकस पे। प्रॉब्लम जो फोकल लेंथ होती है वो होती है 1/fs μ/1 - 1 1/r1 - 1/r2। यहां तक का समझ में आ गया? लेकिन यहां पर अगर व्हाइट लाइट आ रही है, कैसी लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, तो उसमें वेवलेंथ आ रही है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। और फिर हमने ये सीखा था कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंडेंट होता है। जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज a+b/λ² तो हम कहेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट की वेवलेंथ छोटी होती है तो ये चीज बड़ी हो जाएगी, दैट इज वॉयलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। इसका मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट बड़ा होगा तो वॉयलेट की फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पर स्प्लिटिंग हो जाएगी कलर्स में, ये हो जाएगा फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट और ये हो जाएगा फोकल लेंथ फॉर रेड। स्प्लिटिंग हो गई या नहीं हो गई? तो हम कहेंगे दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिक एब्रेशन। कैसा डिफेक्ट? क्रोमेटिक एब्रेशन। और क्रोमेटिक एब्रेशन इज द डिफेक्ट ड्यू टू डिफरेंट फोकल लेंथ फॉर डिफरेंट कलर्स, स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स हो गया। हम चश्मे पहनते हैं, इसका मतलब टेक्निकली उनमें क्या होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। बहुत क्लियर इमेज नहीं बनेगी, डिफरेंट फोकल लेंथ आ जाएंगे डिफरेंट वेवलेंथ के लिए। समझ में आई यहां तक या नहीं आई बात? अब याद करो, एक हमने कहा था डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम था डिस्पर्शन अपॉन मीन डिविएशन। याद आ रहा है, कुछ ऐसे पढ़ा था हमने, डिस्पर्शन अपॉन मीन डिविएशन किसके दौरान पढ़ा था हमने, प्रिज्म के दौरान। और फिर हमने कहा था डिस्पर्शन एंगल ऑफ डिस्पर्शन हो जाता था हमारा डिविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड, तो ये आ जाता था म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येल्लो माइनस वन। ये बात समझ में आ गई? ये एक तरीके से क्या हो गया, फैलाव अपॉन मीन। यहां पे कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं, मैंने कह दिया भाई यहां पर कहीं ना कहीं हो जाएगा एफ मीन तो बोल दो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ येल्लो। तो हमने कह दिया डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम क्या हो जाएगी, डिस्पर्जन फैलाव, फैलना तो हो गया हमारा ये वाला चीज, दैट इज एफ रेड माइनस एफ वॉयलेट का मॉड अपॉन एफ मीन। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा एफ अपॉन एफ मीन, डेल्टा एफ अपॉन एफ मीन। यहां तक की बात भी समझ में आ गई? गॉट इट और नॉट? पक्का? मैंने कैसे लिखा, मैंने कहा डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम वॉज एंगल ऑफ डिस्पर्जन अपॉन मीन डिविएशन।
मीन डिविएशन मतलब कि एवरेज डिविएशन, तो एवरेज फोकल लेंथ और चेंज इन फोकल लेंथ। तो मैंने यही तो बोल दिया कि भाई डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, चेंज इन फोकल लेंथ अपॉन एवरेज फोकल लेंथ। हाँ या ना? अब तुम कहोगे इसका यूज क्या हो सकता है, इसका यूज ये हो सकता है कि एक सिंगल लेंस तो हमारा कलर्स को डिस्पर्स कर देगा, एक लेंस की जगह दो लेंस यूज कर लो, क्या कर लो, दो लेंस यूज कर लो। जैसे हमने प्रिज्म में नहीं किया था कि भाई एक प्रिज्म सीधा लगा दो एक उल्टा लगा दो, और ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म बना दे जिसका क्या हो जाए, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो जाए। एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में एक ने तो कलर्स को में फाड़ा, दूसरे ने कलर्स को जोड़ दिया, उनमें एवरेज डिविएशन हो सकती है। तो इसमें यह कहो कि हमारे पास एक लेंस है एक मीडियम का। अच्छा, तुम्हारा ये डाउट था कि ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का क्या मतलब है। मैंने कहा भाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बेसिकली एवरेज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट एंड रेड हो गया। तुम कहते हो ना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 1.5, हो सकता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.48 के बीच में और 1.52 के बीच में लाई करता हो फॉर रेड एंड वायलेट, सो दैट का द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैन बी थॉट ऑफ एज 1.5। ये बात समझ में आई या नहीं आई? वो a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर में एक लिमिट तो आ गई 1.48 और एक आ गई 1.52। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब कोई प्रिसाइज चीज नहीं है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, वो बेसिकली क्या है, रेंज है, ज्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं आता, कमी आता है लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आती। अब हमने कहा एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या करो, एक लेंस यूज करो जिसकी फोकल लेंथ एफ वन है, एक और लेंस यूज करो जिसकी फोकल लेंथ एफ टू है। क्वेश्चन में वो बोलेगा कि इन दो से कैसा लेंस बनाओ, एक दो लेंसेज यूज करो दो डिफरेंट मटेरियल्स के, दो डिफरेंट मटेरियल्स के, सो दैट की फोकल लेंथ इक्विवेलेंट कितनी निकालनी है, एफ इक्विवेलेंट, कितनी निकालनी है, एफ इक्विवेलेंट। तो हम कहेंगे एक फॉर्मूला तो हो गया 1/F1 + 1/F2 = 1/F इक्विवेलेंट। ये तो एक इक्वेशन आ गई। समझ में आई बात या नहीं आई? क्वेश्चन में पूछेगा वो, पता है क्या कहेगा, मेरे पास एक फ्लिंट ग्लास है एक क्वार्ट्ज ग्लास है, एक फ्लिंट ग्लास है एक क्वार्ट्ज ग्लास है, दो अलग अलग तरह के ग्लासेस लगा दिए, और हमें ये पूछेगा कि कितनी फोकल लेंथ के दो लेंसेज जोड़ूं कि मेरे पास क्या बन जाए, एफ इक्विवेलेंट बन जाए। तो एक इक्वेशन तो आ गई 1/F1 + 1/F2 = 1/F इक्विवेलेंट। यहां पे अननोन क्या है, F1 और F2, ये अननोन है और ये बनाना है मुझे। और दूसरा ये कहेगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, एक कलर को फाड़े तो दूसरा कलर्स को जोड़ दे। तो उसकी कंडीशन आ जाती है W1/F1 + W2/F2 = 0। क्या इक्वेशन आ जाती है दूसरी, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या आ जाती है, W1/F1 + W2/F2 = 0। अब टेक्निकली तुम्हारे पास कितनी इक्वेशन हो गई F1 F2 में, दो। तो क्वेश्चन में बहुत बताएगा भाई W1 तुम्हें दे देगा, W2 तुम्हें दे देगा, F इक्विवेलेंट तुम्हें दे देगा। वो कहेगा क्या-क्या फोकल लेंथ के लेंसेज को जोड़ूं कि हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो इतनी बन जाए और उनका कॉम्बिनेशन कैसा हो, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है और कितना आसान क्वेश्चन है, दो इक्वेशन लगानी है, दो अननोन है, और इन इक्वेशनों को, और ये हमें बड़ा प्रैक्टिकल है भाई, हमने जो स्पेक्स बनवाए हमें फोकल लेंथ चाहिए थी एफ इक्विवेलेंट, ठीक है यहां तक। उसने कहा ओके, मैं एक सिंगल ग्लास से नहीं बनाऊंगा, दो ग्लासेस को जोड़ के बनाऊंगा, सो दैट हमारा काम भी बन गया जितना चाहिए, और एक ने कलर में स्प्लिट किया तो दूसरे ने जोड़ भी दिया। और बाद में क्या लिख देना, डब्ल्यू वन को क्या लिख दोगे, चाहे तो डब्ल्यू वन को लिख सकते हैं -μ violet 1 - μ red 1 / μ yellow 1 - 1, और इसके लिए लिख दोगे μ violet 2 - μ red 2 / μ yellow 2 - 1। समझ में आया कि नहीं आया?
F1 F2 निकल जाएगा इससे। अच्छा हालांकि इसको देख के पता चल रहा है कि F1 अगर पॉजिटिव है तो F2 हमारा नेगेटिव होगा, तो हो सकता है तुम्हें ओवरऑल लेंस चाहिए कौन सा, कन्वर्जिंग लेंस। तो क्या करोगे, एक कन्वर्जिंग लगेगा और एक डाइवर्जिंग लगेगा, सो दैट द नेट कॉम्बिनेशन इज से कन्वर्जिंग। हाँ हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, एक कन्वर्जिंग प्लस एक डाइवर्जिंग, कि भाई एक के एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ओवरऑल चीज हो सकती है कि पॉजिटिव रहे कन्वर्जिंग रहे, हाँ या ना। और दूसरी कंडीशन यहां से आ जाएगी W1 by F1 plus W2 by F2, वो कंडीशन एंश्योर करेगी वो कॉम्बिनेशन कैसा है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है। समझ में आया कि नहीं आया, तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से आएगा कि एक इक्वेशन ये लगाओ एक ये लगाओ, सो दैट कि तुम्हें F इक्विवेलेंट भी बन जाए और एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी बन जाए। F1 F2 पूछेगा और ये हो सकता है कि एग्जैक्टली W1 W2 ना दे, वो तुम कैसे निकालो, इस फॉर्मूले से निकाल लो। हाँ ये दे देगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फ्लिंट ग्लास इज इतना वायलेट के लिए इतना रेड के लिए, और हो सकता है येलो का ना दे तो वो इन दोनों का एवरेज ले लोगे, वायलेट प्लस रेड बाय टू, वायलेट प्लस रेड बाय टू। ये चीज का डेरिवेशन भी होता है, हालांकि उसे जाने बिना भी क्वेश्चन कर लोगे। ये डेरिवेशन किस चीज का, इस चीज का, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने क्या कहा था, 1 बाय एफ इक्विवेलेंट इज 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2। इसको डिफरेंशिएट कर दो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस डी एफ बाय एफ स्क्वेयर इज माइनस डी एफ 1 बाय F1 स्क्वेयर माइनस ऑफ डी एफ 2 बाय F2 स्क्वेयर, कर दिया डिफरेंशिएट। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो डिफरेंट नहीं है डिफरेंट कलर्स के लिए, दैट इज द होल पॉइंट ना। नहीं समझे फिर बताता हूं, F1 F2 विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, लेकिन ये कह रहा है कि इनका कॉम्बिनेशन जो बनाए वो कैसा बने, एक्रोमेटिक बने। व्हाट डू मीन बाय एक्रोमेटिक, कि उसके जो F इक्विवेलेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट ना हो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए। इसका मतलब जो ये DF है इक्विवेलेंट वाले में चेंज फॉर डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस वो जीरो हो, ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। नहीं समझे, इक्विवेलेंट में चेंज नहीं आना चाहिए, तो इसको जीरो पुट कर दो, इसको जीरो पुट कर दोगे तो क्या बना, अब DF1 by F1 square है, तो DF1 by F1 को लिख सकता हूं W1, हाँ W1 क्या था, W क्या था, डेल्टा F by F mean, तो मैंने कह दिया ये W1 by F1 हो गया प्लस W2 by F2 हो गया। तो मैं लग रहा था कि बहुत ही मतलब खतरनाक से डेरिवेशन होगी, ये कहां से आ गया, कुछ नहीं किया, इक्वेशन को डिफरेंशिएट मारा और ये कहा इक्विवेलेंट में चेंज नहीं आना चाहिए फॉर डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस, तो डीएफ इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो डीएफ इक्विवेलेंट को तुमने अगर जीरो बोल दिया तो हम कहेंगे उसका सीधा प्रूव हो जाएगा W1 by F1 plus W2 by F2 is zero. Was that tough? No. एक चीज और याद रखना यार, कई बार जैसे ये लेंस है हाँ जी, कहीं ये पढ़ा था हमने, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, पढ़ा था ना। इसका मतलब मान लो व्हाइट लाइट आए, ये जो लाइट आती थी ये कहां पे जाके कन्वर्ज करती थी, पैरेलल रेज आ रही है फोकस पे आके कन्वर्ज करती थी ना, फोकस पे, पढ़ा था ये हमने। तो हमने कहा 1 बाय फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट इज म्यू वॉयलेट बाय 1 माइनस 1 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 माइनस आर 2 हो जाएगा। अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट ज्यादा है तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी एज कंपेयर टू फोकल लेंथ ऑफ रेड, तो लेंस ने क्या कर दिया, डिस्पर्जन।
लेंस ने क्या कर दिया, डिस्पर्जन। पता चला जी यहां पर वॉयलेट वाली तो यहीं पे चली गई और रेड वाली यहां चली गई। ये हो गई फोकल लेंथ फॉर रेड एंड ये हो गया फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट। हाँ या ना? सो भाई हमने पढ़ा था देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एबरेशन। एक होता था स्फेरिकल एबरेशन जो कि कौन दिखाता था, स्फेरिकल एबरेशन दिखाता था मिरर्स। उसमें नॉन पैराक्सियल रेज फोकस पे मीट नहीं करती थी, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने 53 लेके 60 लेके दिखाया था, 60 वाली तो पोल पे जाके हिट मार रही थी, याद आया। अब एक नया डिफेक्ट आ गया जो लेंस में आता है कि फोकल लेंथ इज नॉट डिफाइंड। व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड? बिकॉज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, इट इज डिफाइंड फॉर डिफरेंट वेव लेंथ। सो वायलेट का फोकल लेंथ अलग है और रेड की फोकल लेंथ अलग है। हाँ या ना? सो दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटिक एबरेशन। दिस इज कॉल्ड एज वॉट? क्रोमेटिक एबरेशन। ये एबरेशन क्यों है? डिस्पर्जन के कारण हो गया। किसके कारण हो गया? डिस्पर्जन के कारण हो गया। हाँ या ना? अच्छा अब याद करो डिस्पर्सिव पावर कैसे डिफाइन करते थे, याद आ रहा होगा। ऐसे ऐसे करते थे, म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस वन। प्रिज्म में ऐसे निकाला था हमने। हाँ इसको चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं, फाइव बाई डी मीन ऐसे तो किया था कि एंगल ऑफ डिस्पर्जन अपॉन एवरेज। यहां वाले टर्म्स में क्या बोलोगे? यहां वाले टर्म्स में ये कह सकते हो डिस्पर्सिव पावर इज फैलाव ऑफ एफ अपॉन एफ मीन। हाँ जी क्या कहोगे डिस्पर्सिव पावर को? क्या बोल दोगे कि डेल्टा एफ जितना ये फैल गया अपॉन एफ मीन। यहां तक का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो कह रहे क्या हो रहा है, फैलाव अपॉन एवरेज। ऑल इज वेल मतलब लपेटने वाली बात थी, फैलाव अपॉन एवरेज। तो ये हो गया डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम। चश्मा कौन कौन लगाता है भाई यहाँ पर? सब नहीं है यार, मतलब उधर वाले लोग पढ़ाकू नहीं है तो चश्मा नहीं लगाते वो पहनता नहीं, वो कहता मुझे बोर्ड पे देखना ही नहीं क्या लिखा यार मैं ये कह रहा था कि जो लेंस लगाते हैं हम, इसका मतलब हमें वाइट लाइट आती है, हमें कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखता है क्योंकि उसमें तो कलर फट जाते हैं, कलर फट जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि लेंसेज को, इसका मतलब जो हमारा लेंस है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से बनाना चाहिए, ये ऐसे बनाना चाहिए कि दो लेंस लगाएं सो दैट ये कैसा कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करे, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। कैसा? एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कि सो दैट ए सी एच आर ओ एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, सो दैट कि कलर्स में ना फटे कि भाई हमारे हमारे मामले आंख की कुछ पावर है तो वो पावर भी बन जाए, उतने का फोकल लेंथ का लेंस भी बन जाए ओवरऑल। लेकिन ओवरऑल दिस कॉम्बिनेशन शुड बिहेव लाइक कि कलर्स ना फटे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो क्वेश्चन ये बनता है एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। एक भाई इसमें फंडा ये है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, मुझे फोकल लेंथ चाहिए एफ इक्विवेलेंट, मुझे फोकल लेंथ चाहिए एफ इक्विवेलेंट। तो दो लेंसेज को कंबाइन करो उनकी फोकल लेंथ पूछेगा ये। तो हम कहेंगे 1 बाय एफ वन प्लस 1 बाय एफ टू शुड बी इक्वल टू 1 बाय एफ इक्विवेलेंट। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, वो ये कहेगा दो लेंसेज को कंबाइन करूंगा सो दैट कि जो हमारे पास पावर बने वो एफ इक्विवेलेंट जो बने वो हो गया जो हमें चाहिए। लेकिन इन दोनों लेंसेज में ऐसा होना चाहिए दो डिफरेंट मटेरियल्स के बने हो सो दैट कि इनका एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो जाए। तो उसमें कंडीशन क्या आती है, क्या आती है रिजल्ट बता रहा हूं। W1 by F1 plus W2 by F2 should be zero. क्या कंडीशन आती है? W1 by F1 plus W2 by F2 should be zero. और W1 क्या हो गया? Dispersive power of medium 1 इस वाले लेंस की,
और दूसरे वाले का डब्ल्यू टू हो गया डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम टू सेकेंड वाले का, और डिस्पर्सिव पावर को क्या बोल सकते हैं, म्यू वॉयलेट वन माइनस म्यू रेड वन अपॉन म्यू येल्लो वन माइनस वन, और डब्ल्यू टू को लिख दो म्यू वॉयलेट टू माइनस म्यू रेड टू अपॉन म्यू येल्लो टू माइनस वन। एक और चीज, इसका मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, ये लिटरली क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। क्या क्वेश्चन है, उसने कहा मुझे इस फोकल लेंथ का वो चाहिए, लेंथ चाहिए, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज व्हिच शुड बी कंबाइंड टू गिव फोकल लेंथ इतना, एंड सो दैट इट शुड बी अ एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो बस ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को देख के ये भी समझ में आ रहा है कि एक लेंस का फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होगा तो एक का नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब दोनों लेंस कन्वर्जिंग नहीं हो सकते, एक कन्वर्जिंग होगा और कोई एक दूसरे मटेरियल का डाइवर्जिंग होगा। दोनों को चिपका के बनाएंगे तो नया लेंस हो सकता है कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो, डिपेंडिंग ऑन एफ इक्विवेलेंट, और उसके अंदर दूसरी कंडीशन ये आ जाए। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का? अब अगर ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया, वैसे तो मेरे ख्याल से इतना मैंने समझा दिया तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जानी चाहिए। 1 by F equivalent is 1 by F1 plus 1 by F2। हाँ जी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा, माइनस डी एफ बाय एफ स्क्वेयर इज माइनस डी एफ वन बाय एफ वन स्क्वेयर माइनस ऑफ डी एफ टू बाय एफ टू स्क्वेयर। अब तुम कहोगे इसका लॉजिक क्या था, मैंने कहा देखो ऐसा है, सुनो मेरी बात, अब एक लाइन लगेगी समझाने में, कि हमने डिफरेंट कलर्स फेंके तो ये एफ वन डिफरेंट डिफरेंट होगा डिफरेंट कलर्स के लिए, और एफ टू डिफरेंट डिफरेंट होगा डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस के लिए, डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, लेकिन जो इक्विवेलेंट वाला है वो सेम रहना चाहिए, तो इस चीज को कर दो जीरो, और डी एफ वन बाय एफ वन को लिख दो डब्ल्यू वन। याद करो डब्ल्यू कैसे डिफाइन किया था मैंने, डेल्टा एफ बाय एफ मीन। हाँ जी, एफ मीन को एफ वन, ऑल इज वेल, बोलो ऑल इज वेल। तो डी एफ वन बाय एफ वन स्क्वायर में डी एफ वन बाय एफ वन को लिख दो डब्ल्यू वन बाय एफ वन प्लस डब्ल्यू टू बाय एफ टू वुड बी जीरो। यहां से आ गया वो क्या, डेल्टा नहीं, फील नहीं आई है तो मैं बिल्कुल ही क्या बोलना चाह रही है कि यार चेंज इन फोकल लेंथ अपॉन एवरेज फोकल, चेंज का मतलब क्या हुआ, वायलेट और रेड वाली के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, हाँ या ना, और एवरेज का क्या बोल दोगे, येल्लो बोल दो, या तो येल्लो वाली बोल दो, या दोनों का एवरेज सम लेके बाय टू कर दो, हाँ या ना। तो हम कहेंगे डी एफ वन क्या हो गया, बेसिकली वायलेट और रेड वाले के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, और एफ वन स्क्वेयर था नीचे तो इस एफ वन को ज्वाइन करके क्या बोल दो, डब्ल्यू वन बोल दो, क्या दिक्कत थी, नहीं ले बजा हो गया, या ये कहोगे हमें कुछ नहीं आता, मैं तो ये दो फॉर्मूले आते हैं, हैप्पी?